खबर आपको बता रहे हैं, जहां रायपुर से बड़ी खबर है। निर्वाचन आयोग कार्यालय के बाहर बीजेपी का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसमें बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री राजेश मूणत धरना दे रहे हैं। महापौर के निर्वाचन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार पर लगाया है खरीद फरोख्त का आरोप। साथ ही निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग इन्होंने की है। कार्रवाई न होने पर कोर्ट में पिटीशन दायर करने की चेतावनी बीजेपी नेता दे रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कार्रवाई ना होने पर कोर्ट में दायर करेंगे पिटीशन बीजेपी के नेता। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए। और महापौर जिस तरीके से चुने जाने की प्रक्रिया की मांग कांग्रेस की तरफ से की गई थी, और कांग्रेस की मांग पर ही अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए गए, और ये पूरा षड्यंत्र कांग्रेस ने इसलिए रचा ताकि उनके महापौर चुनकर आ सके, या जो बहुमत का आंकड़ा है नगरीय निकाय चुनाव में वो उनकी तरफ से अच्छा आ सके। ये तमाम आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं। तो निर्वाचन आयोग ऑफिस के बाहर बीजेपी का धरना प्रदर्शन, महापौर के निर्वाचन पर सवाल उठाए गए हैं, प्रदेश सरकार पर लगाया खरीद फरोख्त का आरोप साथ में। ज्यादा जानकारी के साथ थोड़ा सा बता, सुप्रिया पांडे फोन लाइन से जुड़ गई है। सुप्रिया, निर्वाचन आयोग ऑफिस के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है, कितनी संख्या में बीजेपी के नेता वहां पर मौजूद हैं और क्या मांगे उन्होंने की हैं? जी बिल्कुल, निर्वाचन आयोग के बाहर बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन जारी था, लेकिन अभी जो है वो बीजेपी कार्यालय में बैठक शुरू हो गई है, पार्षद दलों की बैठक शुरू हो रही है। बीजेपी का ये जो बैठक है वो पार्षद दलों को लेकर के है, और साथ ही ये जो निर्वाचन आयोग में जो बीजेपी ने निर्वाचन आयोग को घेरा है, निष्पक्ष चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग को घेरा है, कहा है कि जो निर्वाचन आयोग है वो सरकार से प्रभावित है, और साथ ही ये भी कहा है कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव करवाए, क्योंकि ये जो लेटर है वो कलेक्टर जारी करते हैं, लेकिन इसे कमिश्नर द्वारा जारी किया गया है, उसके बिना अनुमति के जारी किया गया है। जी, और जैसे कि आप कह रही है कि पार्षद गण की बैठक भी शुरू हो गई है, लगभग कितनी देर से बैठक शुरू हो चुकी है, और क्या इस बैठक के खत्म होने के आसार कब तक के लगाए जा रहे हैं? कुछ अंदर खानों से कोई खबर मिल पा रही है बैठक को लेकर? बैठक जो है वो 11 बजे से चल रही है। अंदर खानों की खबर की हम बात करें तो बात ये है कि बीजेपी के पार्षद जो है वो क्रॉस वोटिंग के लिए बैठक कर रहे हैं। बीजेपी को लगता है कि जो कांग्रेस है वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, इसलिए ये अभी भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी से महापौर बन सकता है। साथ ही मृत्युंजय दुबे जो है उनके नाम पर सहमति बन चुकी है, और कांग्रेस से एजाज देवर और बीजेपी से मृत्युंजय दुबे के बीच में महापौर को लेकर टक्कर होगी, वोटिंग शुरू होगी, कुछ ही देर में वोटिंग शुरू होगी। बीजेपी की बैठक अभी 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगी, उसके बाद बीजेपी जो है वो नगर निगम जाएगी, और साथ ही जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। उसके बाद देखना ये होगा कि बीजेपी जो है महापौर जो है वो किसका बनकर आता है, बीजेपी का बनकर आता है या कांग्रेस का बनकर आता है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, शुक्रिया।